सर मैंने वापस ले लिया। क्या देश में एक लंबे वक्त तक चर्चाओं का बाजार गर्म करने वाले मामले में एक बड़ा अपडेट आया है। अपडेट ये है कि ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच समझौता हो गया है। जी हाँ, जो पति पत्नी एक दूसरे को पिछले कुछ दिनों तक देखना पसंद नहीं कर रहे थे, जिसमें ज्योति के मनीष दुबे संग लव अफेयर की भी बातें चली, दोनों के कई वीडियो और ऑडियो भी वायरल हुए, इन दोनों पति पत्नी के बीच का मामला देश का मामला बन गया। फिर कोचिंग सेंटर से कई शादीशुदा महिलाओं के पतियों ने वापस बुला लिया, ऐसी खबरें भी आई। अब SDM ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच का विवाद सुलझने जा रहा है। दोनों में समझौता हो गया है। समझौते के बाद जांच कमेटी के सामने आलोक मौर्य पेश हुए। जांच कमेटी के दफ्तर में करीब आधे घंटे तक आलोक मौर्य मौजूद रहे। उन्होंने जांच कमेटी को लिखित प्रार्थना पत्र देकर शिकायत वापस ले ली है। वापस आपने क्यों लिया, क्योंकि शिकायत आपने की थी, खुद ही भ्रष्टाचार का आपने आरोप लगाया था उनके ऊपर। सर मैंने शिकायत वापस ले लिया। क्या कमेटी का दबाव है? नहीं नहीं सर, क्या वो PCS अधिकारी है, इस वजह से लग रहा हो कहीं उनकी लॉबी जो है वो आपके ऊपर दबाव डाल रही हो? नहीं नहीं, ये बताइए आज अधिकारियों के सामने आपने पत्र वापस लिया है या अपनी जो शिकायत थी उससे आप... मैंने अपनी शिकायत नहीं, गलत थी आपकी शिकायत जो थी? नहीं नहीं, शिकायत सर मैंने जो था मैंने वापस। सबूत नहीं थे क्या आपके पास? आपने कहा तो पिछली तारीख में आपने कहा था। बताया जा रहा है कि सोमवार को जांच कमेटी ने आलोक मौर्य को ज्योति मौर्य पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप के सबूत पेश करने के लिए बुलाया था, लेकिन आलोक मौर्य ने जांच कमेटी को लिखित तौर पर शिकायत वापस लेने का अनुरोध कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी के कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने पति पत्नी के बीच समझौता कराया है। आलोक मौर्य की ओर से शिकायत वापस ले जाने के बाद अब SDM ज्योति मौर्य भी पुलिस में की गई शिकायत वापस ले सकती हैं। बता दें कि ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक पर दहेज प्रताड़ना समेत कई आरोप लगाए हैं। आलोक मौर्य के शिकायत वापस लेने के बाद जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट कमिश्नर प्रयागराज को भेजेगी। हालांकि अब शासन ये तय करेगा कि इस मामले में जांच करनी है या नहीं। आलोक मौर्य के शिकायत वापस लेने पर ज्योति मौर्य को बड़ी राहत तो मिल गई है, लेकिन आलोक मौर्य ने PCS ज्योति मौर्य पर भ्रष्टाचार की शासन से शिकायत की थी। PCS अफसर बनने के बाद करोड़ों की संपत्ति बनाने का ज्योति मौर्य पर आरोप लगाया था। आलोक मौर्य ने पत्नी ज्योति पर होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे से अवैध संबंध का भी आरोप लगाया था। अब देखना यह होगा कि आलोक मौर्य की शिकायत वापस लेने के बावजूद क्या शासन की तरफ से ज्योति पर कोई कार्रवाई की जाती है।